Good evening students. Today we will continue our chapter matter in our surroundings. Matter in our surroundings में आज हम discuss करेंगे evaporation. Evaporation process क्या होता है? The process of changing liquid into vapor. क्लियर? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड आपका वेपर्स में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ओके, और ये क्या हो सकता है? इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे वो बॉयल करना स्टार्ट करे, द टेम्परेचर एट विच इज सब्सटेंस स्टार्टिंग बॉयल, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब हम कुछ फैक्टर्स स्टडी करेंगे जो आपके इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो इवेपोरेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अब स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके इवेपोरेशन पे, मतलब जो प्रभाव डालते हैं आपके इवेपोरेशन पे. मतलब कुछ ऐसे होंगे जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा और कुछ ऐसे होंगे जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस डिक्रीज करेगा. फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर. अब आप बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो? अब एग्जांपल देख लेते हैं. आप क्या कर रहे थे? पहले आप वाटर को हीट कर रहे थे एक लो फ्लेम पे. आपने गैस पे रखी हुई थी, फ्लेम लो थी. ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर कम था. ओके, तो वहाँ पे आपका इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा होगा, मतलब धीरे धीरे वेपर्स बन रहे होंगे. अगर आप फ्लेम को हाई कर दोगे तो क्या देखोगे आप? जो वेपर्स बन रहे होंगे उनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा. क्लियर? तो आपको ज़्यादा वेपर्स शो होंगे. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर? तो उससे क्या होगा? आपका इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. क्लियर? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. जिसे देख लीजिए, अगर आप इस तरह से आपने फ्लेम पे रखा हुआ है, आप हीट कर रहे हैं, क्लियर, और आपका कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, तो आपके लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, और फिर अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, ठीक है, माना कि ये लो टेम्परेचर पे था और यहाँ पे आपने फ्लेम ज़्यादा कर दी, ये हाई टेम्परेचर हो गया आपका. क्लियर? तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी, मतलब फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे, जिससे वो इजीली क्या हो जाएंगे? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर? ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और आपको पता है लिक्विड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पार्टिकल्स की होती है? गैस के पार्टिकल्स की. क्लियर? तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आपकी आपका जो है इवेपोरेशन इंक्रीजेस. ठीक है, ऑन, अब इंक्रीजिंग के लिए हम ये वाला साइन ले लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजिंग. क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है. सेकंड देखते हैं हम,
सेकंड है हमारा सरफेस एरिया। तो सेम वही था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका इवेपोरेशन इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स मीन टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इस तरह से। ओके, आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, सेकंड देखते हैं हम सरफेस एरिया। इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको टी दी, मैंने आपको टी या कॉफ़ी कोई भी लिक्विड ले लीजिए, आप मिल्क ले लीजिए हॉट मिल्क, और आपको कहूँ कि वो आपको पीना है, ठीक है, तो बताइए आप कप में डला हुआ है वो और एक बाउल में डला हुआ है, तो किस में आप इजीली पी पाएंगे? देखो, अगर आप सरफेस एरिया देखना है तो कप का सरफेस एरिया कम होता है, बाउल का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बाउल में क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होगा, फास्ट होगा, तो इवेपोरेशन प्रोसेस होने से आपकी जो टी कॉफ़ी जो भी आपने लिया है वो क्या होगा, ईजिली कूल डाउन हो जाएगा और आपको पीना आसान होगा। अगर मैंने आपको हॉट मिल्क दे दिया है तो आप किस में प्रेफर करेंगे, अगर आपको जल्दी पीना है बाउल में, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से आपका इवेपोरेशन प्रोसेस भी फास्ट होता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ओके, देन इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आपने देखा, अगर आपने ये लिया है, आपने कप में लिया, ठीक है, और ये आपका कोई भी लिक्विड था, और यहाँ पे आपकी वेपर्स को सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है जाने के लिए, और यही चीज़ आपने एक बाउल में ले ली, तो यहाँ पे क्या है, आपका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इजीली उनको और ज़्यादा स्पेस मिल गया है वेपर्स में जाने के लिए, और फिर जब वेपर्स में जाएंगे तो आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, इससे स्पीड में, मतलब फास्टली आपके बाउल में इस कप से फास्ट कूल डाउन हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब आपकी जो एयर की स्पीड होती है, जो ब्लोइंग एयर होती है उसको विंड बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लोइंग एयर है उसकी स्पीड। अगर देखिए बाहर क्या हो रखा है, आप अपने जो वेट क्लोथ्स हैं उनको ड्राई करने के लिए सनलाइट में डालते हैं, ठीक है, एक तो वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो आप मुझे बताइए दोनों में से किस कंडीशन में आपके जो वेट क्लोथ्स हैं, जो आपके गीले कपड़े हैं, वो ड्राई होंगे? जब विंड स्पीड हाई होगी, ठीक है, जब तेज़ हवा चलेगी तो प्रोसेस क्या होगा, फास्ट, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। अगर विंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। अगर विंड स्पीड स्लो हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, स्लो। तो हमने देखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, ठीक है, और नेक्स्ट क्या था आपका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक में चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे में भी सेम होंगे। इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी आपका डिक्रीज होगा। ओके, और नेक्स्ट क्या था, विंड स्पीड। विंड स्पीड भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। क्लियर? तो हमने थ्री फैक्टर्स पढ़े, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। अब हम फोर्थ देखते हैं आपका, जो फैक्टर अफेक्ट करता है, फोर्थ है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर वॉटर वेपर का कितना कंटेंट है, कितना अमाउंट है, वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी। क्लियर? अब आप सोचिए कि बाहर ह्यूमिड आपका कब होता है, रेनी सीजन में।
अब रेनी सीजन में आप बताइए, पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है और आपने अपने कपड़े डाल दिए हैं ड्राई करने के लिए, बेड क्लोथ्स को ड्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो स्पीड इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी? अब माना आपने फ़ैन ऑन कर रखा है या फिर सनलाइट है, तो सनलाइट से पहले तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वही इवेपोरेशन प्रोसेस होगा उन्हीं का, फिर आपके क्लोथ्स का होगा, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा. ओके, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन प्रोसेस डिक्रीजेज. इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. क्लियर? ओके, तो थ्री फैक्टर्स हमने पढ़े थे जिनसे क्या हो रहा था, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा था. अब लास्ट है आपका ह्यूमिडिटी, वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर 1/4 में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये अपोजिट है. ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगी तो वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. क्लियर? एग्जांपल है आपके लिए, आप डेजर्ट कूलर का यूज करते हैं. डेजर्ट कूलर बेटर ऑन हॉट ड्राई डे, जो बिल्कुल गर्मी वाला और बिल्कुल सूखे वाला मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. आप जून से ले सकते हैं, जून मंथ में आप डेजर्ट कूलर यूज़ करते हैं. डेजर्ट कूलर जो सिंपल कूलर आप यूज़ करते हैं गर्मियों में, ठीक है, वो बेटर होता है हॉट ड्राई डे में. हॉट ड्राई डे में बेटर क्यों होता है, क्योंकि हॉट ड्राई डे में टेम्परेचर क्या होता है, इनक्रीज होता है एज़ कंपेरिजन टू रेनी सीजन. जो आपका हॉट ड्राई डे होगा उसमें टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होगा. ठीक है, अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होने से डेजर्ट कूलर बेटर कैसे है. ठीक है, तो आप देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन. अभी आप एक समझिए इसको, फिर आपको ऊपर वाला भी समझ में आ जाएगा और बाकी सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे. कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स. क्लियर? अब इस प्रोसेस के लिए क्या है, किसी भी आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसको इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए. ठीक है, अब हीट अगर वैसे प्रेजेंट नहीं करा रहे, हम वैसे नहीं दे रहे हैं उसे हीट, तो वो क्या लेगा, उसे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, तो वो जिस भी सब्सटेंस के टच में होगा उससे क्या ले लेगा, लेटेंट हीट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो क्या करता है, इट टेक्स इन इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. वो अपनी सराउंडिंग से क्या ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सराउंडिंग से ले लेगा तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, लो हो जाएगा. तो लो टेम्परेचर पे क्या फील होता है, कूल. ठीक है, जैसे अब हम ही समझ लेते हैं, अब बाहर से आए, ठीक है, और समर सीजन में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है. स्वेटिंग होने के बाद जब आप फैन के नीचे बैठते हैं या फिर आफ्टर सम टाइम, वो जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है आपको, वो क्या करता है, आपकी बॉडी से लेटेंट हीट ले लेता है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब उसको वेपर्स में कन्वर्ट होना है उस लिक्विड को. तो उसके बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इसीलिए आपको कूलिंग फील होती है. क्लियर? तो यही था हमारा, डेजर्ट कूलर बेटर कैसे है हॉट ड्राई डे में, क्योंकि डेजर्ट हॉट ड्राई डे में क्या है, टेम्परेचर हाई होता है. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ईजिली होगा और फास्ट होगा. फास्ट इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए डेजर्ट कूलर बेटर होता है हॉट ड्राई डे में. क्लियर? ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपने टी का लिया था,
अभी एग्जांपल लेते हैं हम कि टी कूल्स मोर फास्टर इन सोसर और बाउल देन ए कप. ठीक है, अभी दोनों मिक्स कर रहे हैं हम जो फैक्टर्स पढ़े थे और जो हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोवाइड करता है. ओके, तो जो हमारी चाय है वो जल्दी से ठंडी हो रही है किसमें, सोसर में, देन कप. ऐसा क्यों? क्योंकि सोसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है कप से. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस और जल्दी होगा, और जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा उतनी वो क्या होगी, जल्दी से ठंडी हो जाएगी आपके लिए. ओके, एक और देखते हैं. पीपल स्प्रिंकल वॉटर ऑन रूफ इन समर डेज, समर सीजन लिख सकते हैं या फिर समर डेज या फिर हॉट डेज, हॉट ड्राई डेज. ठीक है, अब क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो स्प्रिंकल करते हैं, मतलब छिड़काव कर देते हैं या फिर पानी डाल देते हैं अपने घरों की छत पे. ठीक है, ओके, इन समर सीजन या फिर हॉट ड्राई डे. अब गर्मियों में लोग क्या करते हैं, बाहर अपने मतलब जो आपका ओपन एरिया है जिसको, ठीक है, वहाँ पे डाल देते हैं या फिर छत पे डाल देते हैं पानी. तो उसका क्या प्रोसेस होता है, गर्मियों के दिनों में पानी छत पे डाला आपने, ठीक है, अब आपकी समर सीजन में क्या होता है, सन की जो रेज होती हैं बहुत हाई होती हैं आपके लिए सनलाइट. ठीक है, तो उससे जो आपकी घर में आपकी रूफ में जो हॉट टेम्परेचर हो रखा होता है उससे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा. और वाटर इवेपोरेट होगा मतलब आपका इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है. तो इवेपोरेशन प्रोसेस होने के बाद क्या फील होता है, कूलिंग. तो इसीलिए आपकी रूफ और आपकी जो वॉल्स है वो क्या हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएंगी. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. ऐसा ही होता है कि जब हम अपने हैंड पे, अपनी पाम पे एसीटोन या फिर परफ्यूम वगैरह डालते हैं, एसीटोन या फिर थिनर बोल सकते हैं आप, थिनर जो लेडीज़ नेल पेंट रिमूव करने के लिए यूज़ करती हैं उसको अगर अपने पाम पे रखते हैं हम, तो आपको कूलिंग होती है. या फिर पेट्रोल रख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है. ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल और एसीटोन है उनका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो उनका मतलब इवेपोरेशन के लिए या फिर बॉइलिंग के लिए जो टेम्परेचर है बहुत ही लो होता है. जब आपने अपनी पाम पे रखा, अपनी हथेली पे रखा, तो वो आपके हाथ से ही मतलब आपकी बॉडी से ही क्या ले लेते हैं, लेटेंट ही, और इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट. इवेपोरेट होंगे तो आपको क्या फील होगी, कूलिंग. इसलिए आपको कूलिंग फील होती है जब आप एसीटोन या फिर परफ्यूम या फिर पेट्रोल वगैरह अपने हैंड पे रखते हैं. ये कुछ एग्जांपल थे, आप ध्यान रखिएगा इन्हें. ओके, ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, विंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो भी इवेपोरेशन, सिर्फ ह्यूमिडिटी के केस में आपका इवेपोरेशन स्लो हो जाता है. ओके, थैंक यू.